नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज मैं आपको बतलाऊंगा कि मुझे बार बार कमेंट मिलती है कि रेडियो में माइक किस तरीके से बनाया जाता है और रेडियो में एफएम की किट किस तरीके से लगाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो जिसका सारा फंक्शन का क्वेश्चन का आंसर एक ही है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि एफएम का किट का कनेक्शन कैसे होता है और जो है सो माइक की भी कनेक्शन किस तरीके से होती है और बहुत सारे कनेक्शन उसमें किस तरीके से आप करके एक ही सिग्नल से बहुत सारे काम कर सकते हैं और उसको बजा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट टाइम तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो आपको एक ब्लैक कलर की वायर देख रहे हैं और एक रेड देख रहे हैं, येलो देख रहे हैं। तो ब्लैक जो होता है सीधे ग्राउंड होता है, ये सीधा ही साउंड को कम करने का काम करता है और रेड कलर का जो वायर होता है यहाँ की ऑडियो इस आईसी से सीधा ही यहाँ पे ऑडियो आते हैं और येलो वाली तार जो है यहाँ पे इस आईसी की ऑडियो सीधा ही यहाँ पे, ये दोनों का ऑडियो कनेक्शन ज्वाइंट होकर के ये वीसी में आता है और दोनों का सिग्नल ज्वाइंट यहाँ से होता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो ये रेडियो ऑन हो जाती है। तो ये ब्लैक वायर जो होता है सीधा ही आपको साउंड को कम करने के लिए होता है। तो सबसे पहले आपको इस वीसी की ये तीन वायर जो है इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे चल कर के माइक की कनेक्शन, एफएम किट की कनेक्शन और बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका कनेक्शन इसमें आप कर सकते हैं। अगर इसकी वायरिंग की सही जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि तीन वायर जो आती है कहां कहां से आती है और किस कार्य के लिए है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। अब रह गई आपकी कनेक्शन की बात। तो देखिए ये पीली वाली वायर जो होती है जहाँ का यहाँ का सिग्नल इस ऐसी का यहाँ पे ऑडियो आया हुआ है, तो इस वायर पे आप जो भी कनेक्शन करेंगे चाहे वो एफएम किट की एफएम बजाने के लिए कनेक्शन यहाँ का ऑडियो ज्वाइंट करेंगे तो ये जो भी आप सिग्नल इनमें देंगे वो सिग्नल इस होकर के स्पीकर में आ जाएगी। जैसा कि मान लीजिए माइक का कनेक्शन तो एक येलो वाली पे और एक ग्राउंड, तो ग्राउंड तो सभी में अनिवार्य है, एक येलो वाली पर सिग्नल जो भी आप देंगे और एक ग्राउंड का कनेक्शन कर देंगे तो जो भी माइक का काम करेगा जो भी उनमें आप सिग्नल भेजेंगे वो सीधा ही यहाँ पे एम्पलीफायर होकर के निकलेगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फंक्शन समझने की देरी है। तो आगे अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के बस इतना ही। वीडियो लास्ट टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।